Hello, Singapore! सबसे पहले फिफ्थ इंटरनेशनल भोजपुरी अवार्ड जो आज सिंगापुर में हो रहा है, इससे पहले दुबई, लंदन और कई सारी कंट्रीज में हुआ, और इसका जो क्रेडिट है वो मैं देना चाहूंगा टू द वन एंड ओनली, इसके जो प्रोड्यूसर हैं अभय सिन्हा जी। अभय सिन्हा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आइए आइए सर। भोजपुरी सिनेमा का जो गोरखपुर से लेकर जो सिंगापुर तक का सफर है वो इन्होंने तय किया, मतलब सबको यहाँ पर लेकर आए। एंड इज अ वंडरफुल ह्यूमन बींग। मतलब मैं अभय जी को जब भी देखता हूँ, अभय जी में और निरहुआ के रिक्शा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि वो गैस पे चलता है, ये कैश पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, इनका एक अलग ही यूनिक स्टाइल है। मुझे फोन आया, कृष्णा हम इस बार भोजपुरी अवार्ड कर रहे हैं सिंगापुर में, तो उसके लिए हमने विनय आनंद को साइन कर लिया है। क्या बात है, देखा देखा, सबसे पहले मुझे साइन किया। बिल्कुल, फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। फिर इन्होंने मुझे फोन किया, कृष्णा भैया आपको आना है। मैंने बोला मैं आऊंगा सर। बोले कितना पैसा लोगे शो करने का? मैंने कहा सर जो विनय भैया को दे रहे हो उससे 1 लाख ज्यादा दे देना। तो कहते हैं फिर लाख ही ले लो क्योंकि ये तो फ्री में आ रहा है। अरे भाई होने का फायदा उठा रहे हो तुम, हैं इतना मजाक उड़ा रहे हो हमारा। नहीं नहीं मेरे भैया हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने इतनी कितनी फिल्में की आपने अभी तक? 60 50 60 क्या बात है, विनय के लिए जोरदार तालियां। 60 films। जी जी। लेकिन कहते ना कि जो आदमी तरक्की करता है पैसे आ जाते हैं, फिर भी कुछ लोग गरीब ही रहते हैं दिल से। नहीं होते हैं ना सर कुछ ऐसे लोग, मतलब इनकी गरीबी अभी तक नहीं गई। भाई हम लोग प्लेन में बैठे थे तो एयर होस्टेस आई। भाई मत बोलो यार। नहीं बोले सर क्या लेंगे सर आप? बोलते बस नीचे उतर के ऑटो लेंगे और क्या लेंगे। अरे क्या कर रहे हो? लेकिन अभी भी यहाँ होटल में आए, कहते नहीं ये गलत है, ये गलत हो रहा है, क्या है, मैं स्टार हूँ विनय आनंद, मैं इतने छोटे से कमरे में नहीं रुकूंगा कृष्णा। मैंने कहा भैया ये लिफ्ट है, अरे आपको लेकर जाएंगे अभी ऊपर, आपके लिए स्वीट रूम बुक किया। लेकिन कमरा आपने बहुत बढ़िया बुक किया अभय जी, मैं पानी ढूंढता रहा पूरी रात पीने के लिए, रात भर परेशान रहा। नहीं तो नॉर्मली होटल्स में आते हैं सर एक बॉटल होती है ना बिस्लरी की बॉटल, आपके बेड के बगल में होती है, दो बॉटलें यहाँ दो बॉटलें, देयर नो वाटर बॉटल। तो आई कॉल्ड टू द रूम सर्विस, मैंने बोला ये पानी किधर है? तो बोले बाथरूम में से पीजिए आप। मैं 4 घंटा जेट स्प्रे से पानी पिया है पॉट के, उसमें वो ऐसे निकलता था बाहर। मैं इतना परेशान हुआ, फिर बाद में उन्होंने बताया कि जो वॉश बेसिन है उसके बगल में ऐसे एक नलका लगा हुआ है, उसमें से पानी पीना। ये मेरा छोटा भाई है, बहुत बोलता है ना, लेकिन दिल से ना एक नंबर का कमीना है। तो अच्छा है, कभी कभी ये भी पंच मारते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो जोरदार तालियां, जोरदार तालियां फॉर अभय जी। अभय सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग द होल इंडस्ट्री हियर। आइए मैं भी आपका होस्ट रहूंगा आज। नमस्कार, कैसन मा, दुनिया भर में भोजपुरी का भौकाल बा, सिंगापुर क्या हाल बा। आप सभी लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर अवार्ड फंक्शन चल रहा है, ये इतने सारे आदमी एक साथ कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? कौन है रे? तुमको कहीं देखा है यार? देखा होगा, बहुत मशहूर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कृष्णा भाई, अरे विनय भाई, कृष्णा भाई कैसे? भैया आप काम करिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी, आइए हमारे साथ वहाँ पे, थोड़ा अवार्ड्स को आगे बढ़ाएं हम। चलिए थोड़ा अवार्ड फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। फोर्स कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, आइए कर लेते हैं। धक्का दे के लेके जाना पड़ता है। अरे अरे ये क्या, अरे बाप रे। निशांत को भी मैं कई समय से जानता हूँ, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, और मैं इतने सालों से आपको मेहनत करते देख रहा हूँ,
बस अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए आप थोड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, फिटनेस होना जरूरी नहीं है, जीवन सुखी है ऐसा। हाँ। सुखी है, चलता है। नहीं मेरे को पता है क्या होता है कि जब आप ये अवार्ड लेंगे तो लोगों को टीवी पे कंफ्यूजन होगा कि आप आए कि गणेश आचार्य जी आए, तो आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुभकामना आपको निशान जी। एक चीज तो हम जरा मोटापे के बारे में कहना चाहेंगे, आपका जीवन का सच्चा साथी ना मोटापा। आपके लाइफ में दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना। ये बात बिल्कुल सही बोली इसने। मनोज जी कहते हैं ना, एक कहावत है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, इसके अंदर चार चार बच्चे हैं। पर एक बार हम भी बता दें कि हम में भी कम ताकत नहीं है दोस्त। अच्छा। हाँ हाँ, हम एक उंगली से 8 लोगों को ऊपर पहुंचा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए क्या होता है कि हम लिफ्ट में घुसते हैं, 8 लोग और घुसते हैं, एक उंगली से हम बटन दबाते हैं, 8 लोग ऊपर। अपना अपना स्टाइल है भाई। अब मौका है हमारे सुपरस्टार को स्टेज पे बुलाने का। सो मैं रिक्वेस्ट सनी सर टू प्लीज कम ऑन स्टेज। पहले आप सबको आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इसी बहाने में आप लोगों के पास आया, नहीं तो पता नहीं मैं कब आता यहाँ। अक्सर आते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं, रुकते नहीं कभी। तो ये पहली बार मौका मिला आप सबसे मिलने का और ये सबके करीब आने का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के पास यहाँ आकर। हम बताएं, हम सर आपके इतने बड़े फैन हैं सर। सर कभी हम बाहर बाजार जाते हैं तो हम आलू प्याज भी 2.5-2.5 किलो ही खरीदते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। और वजन भी देखिए सर, 250 किलो बना के बैठे हैं आपके लिए। लव यू सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा भी एक सवाल था सर आपसे। जिम हम सभी जाते हैं, है ना, दूध और घी और मलाई हम सभी खाते हैं, तो सर अपना 2.5 किलो का क्यों नहीं हो रहा सर? ये सिंगापुर क्या हाल बा। अरे वाह जी, कभी किशन जी, योगेश जी, अरे मनोज जी, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, क्या बात है। ए, इधर अवार्ड फंक्शन चल रहा है, ये इतने सारे आदमी एक साथ कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? कौन है रे? हम भोजपुरी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, मोहनलाल यादव नाम है हमारा, बहुत बड़े। अरे सर मुबारक हो, थैंक यू आप आए। जी, शुक्रिया। हम यहाँ पर एक फिल्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं यार। फिल्म का कॉन्सेप्ट? जी। आपको पता हमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला प्रोड्यूसर बनने का? कहाँ से? चार भिखारियों से। मजाक नहीं कर रहे? क्या बकवास कर रहा, चार भिखारियों से इंस्पिरेशन कैसे मिल सकता? हम यार पटना में घूम रहे थे, चार भिखारी हमारे पास आए, बोले ऊपर वाले के नाम पे दे दे, हमें फिल्म बनानी है। हमने कहा यार तुम भिखारी हो के फिल्म बनाओगे? बोले यार फिल्म बना के भिखारी हो सकते हैं तो भिखारी हो के फिल्म होता है भाई, जीवन है चलता है, ऐसा चलता रहता। लेकिन यहाँ सब जिन्होंने कमाया वही आए हैं। ये कहाँ है अभय जी? कहाँ है? यहाँ पर है क्या अभय जी? हम उनको बताना चाहते हैं, ये जो अवार्ड शो उन्होंने यहाँ पे किया है ना, अगले साल आप देखिएगा क्या क्या हम मंगल ग्रह पे अवार्ड शो करेंगे, मंगल ग्रह पे। Oh my और God. दोस्तों ये अवार्ड शो के लिए आप सभी को नेपाल आना है। ए, एक मिनट, येड़ा बना रहे हम लोग को, मंगल ग्रह में शो तो नेपाल कैसे आना है? या अभय जी सबको चांद का बोल के सिंगापुर लाए हैं ना, तो हम इतना नहीं कर सकते क्या? वैसे आपको बताइए अभय जी कमाल के आदमी है। अच्छा। हमको बोले कि भैया यहाँ पर आओ, अपना एयरपोर्ट पे पहुंचो, अपना प्राइवेट जेट से सिंगापुर जाना है। अच्छा। प्राइवेट जेट से। अच्छा। हम भी दौड़ते हुए पहुंच गए यार। अच्छा। पता है कहाँ घुसा रहे थे हमें? कहाँ? कार्गो में। कार्गो में? कार्गो में हम सामान दिखते हैं उनको। हम बोले नहीं भाई, हमें कार्गो में बैठ के नहीं जाएंगे, क्या तरीका हुआ? फिर हम बोले यार प्लेन में बैठा, उन्होंने हमको प्लेन में घुसाया। अच्छा। लेकिन प्लेन में यार
इतना भीड़, सब एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। गोद में? हाँ, हम बोले ये क्या है? बोले नहीं, अपना प्लेन ऐसा ही चलता है भाई, देख लो किसी का गोद देख लो, बैठ जाओ। हम बोले के यार ये अम्रपाली नरुआ के लिए ठीक है, हाँ, लेकिन हम इस तरह कैसे कहीं बैठ जाएं यार गोद में। वो बोले अच्छा ठीक है, तुमको ये सीट देते हैं, यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारी गोद में चिंटू बैठेगा। चिंटू? हमने कहा चलो ठीक है यार, चिंटू छोटा सा आएगा, हाँ, बैठ जाएगा गोद में, क्या तकलीफ है। फिर चिंटू पांडे भेज दिया यार। अरे वो 6'2" का, हाँ, अरे वो पांड्या का साइज का चिंटू, और उनको देख के हमारा तो हार्दिक सूज गया भाई। नहीं नहीं, लेकिन अभय जी ऐसे ही है भैया। अरे इनका स्टाइल बहुत अलग है। रवि भैया मेरे को एक दिन फोन किए, बोलते कृष्णा अगर अगले महीने अगर हम तुम्हें 20 लाख रुपया दे तो कैसा लगेगा। मैंने कहा 20 लाख रुपए तो बहुत अच्छा लगेगा। कहते जरा हमें जरूरत थी, दे दो अगले महीने लौटा देंगे। ये प्रोड्यूसर तो है, स्क्रिप्ट लिखे हैं कि नहीं कहानी? और कहानी का कोई जरूरत होता नहीं है दोस्त, क्या आपको बता रहे हैं कहानी क्या है, पहले क्या करना है, हम शूटिंग करेंगे पहले। अच्छा ठीक है, ओके, उसके बाद एडिटिंग करेंगे। अच्छा, फिर देखेंगे कुछ कहानी बना तो लिख देंगे। ये कैसी बकवास पिक्चर बना रहे? भोजपुरी में ऐसा ही बनता है यार। और देखो अपने को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए ना, हाँ। वो बहुत भरे हैं हम अपने पिक्चर के अंदर। कैसे कैसे? 25 सुहागरात के सीन डाले हैं हम। 25 सुहागरात के सीन? हमारे यहाँ हीरो हीरो है, ताजा नहीं है भाई। कितना के बाद जो है मेन ट्विस्ट आता है, गुंडा आया। गुंडा? गुंडा आया ठीक है, हाँ। यहाँ पे हीरो को पकड़ता है, हीरो को पीटता है ठीक है, हीरो को मार रहा है, हीरो को गालियां दे रहा है, लेकिन हीरो एक शब्द नहीं बोलता। क्यों? एक ऐसा हीरो है, हीरो के मुंह में पान है। भोजपुरी का हीरो है यार, जान चला जाए चलेगा, पान नहीं जाना चाहिए। तो अपना पान खा रहा है। अच्छा, पान खा रहा है। अब उसको लगता है कि लड़ाई तो करना है, कुछ करना पड़ेगा। फिर जेब से मोबाइल निकालता है। अच्छा। ब्लूटूथ ऑन करता है और सारे जो गुंडे हैं उनका लुंगी उठा देता है। अरे क्या बकवास है भैया, मोबाइल से कैसे लुंगी उठा सकता है? अच्छा, रिमोट से लहंगा उठ रहा है, इतने सालों से वो चल रहा है। तो रवि किशन जी का मोबाइल ले आएगा। फिर उसका झगड़ा वगड़ा हुआ लड़की के साथ, पिता के साथ, ये वो, अंडरस्टैंडिंग हुआ, लड़की अपनी तरफ लाता है। फिर जैसे ही लड़की को सिंदूर लगाने वाला है, मांग भरने वाला है, बेहोश हो जाता है हीरो। बेहोश क्यों हो जाता है? और ऐसा सिंदूर लगाने जाता है, जो विग है वो हीरोइन का खिसकता है, वो टकली है। अरे कौन ग्रह से आए हो भाई, कैसा प्रोड्यूसर हो तू? कोई बात नहीं, टेंशन मतलब वो टकली है, लेकिन इतना कोई, यहाँ पे रवि किशन जी का एंट्री होता है। ए, ये अचानक से रवि किशन कहाँ से आ गए? अरे सांसद है, अपनी जनता से मिलने आए, क्या प्रॉब्लम है यार? मिलेंगे भी नहीं क्या? फिल्म बड़ा कमाल का है, अगर आप लोग कहें तो आप लोग को मैं ले सकता हूँ ये फिल्म में। नहीं नहीं भैया, हमने बड़े बड़े काम मना किए हैं, ये तो तुम फालतू काम लेकर आए हो। अच्छा, कौन सा काम मना किया भाई तुम? करोड़पति है मेरे पास आया था। अच्छा, ना बोल दिया मैंने। क्यों क्यों क्यों? नहीं यार, बुजुर्ग बंदे की रोटी पे लात नहीं मारने है, ये काम गलत है। फिर ये धूम टू पिक्चर आई थी, मना कर दिया। क्यों? मैंने बोला मैंने 1 नहीं की, मैं 2 क्यों करूं? ऋतिक से करवाओ, मैं नहीं करूंगा। खैर चलो कोई बात नहीं, फिल्म का हमारा ऑफर ओपन है, कोई हाँ। भी सर अगर कंसिडर कीजिएगा, कमाल का फिल्म है, अगर कोई करना चाहे तो। ये मेन आदमी है फिल्म इंडस्ट्री के, इनको देख लो, इनका चेहरा पहचान लो, ब्राइट ब्राइट। कोर्ट पे मत जाइएगा, ये सोफा फाड़ के इन्होंने बनाया। ये हमेशा चद्दर और सोफा फाड़ के कोर्ट बनाते हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री इनकी दीवानी है। और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, इनके ये मुंबई में जाएंगे आप ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं जहाँ पे फिल्मों को ये इन्होंने हमारे लिए इफ्फा के लिए भी किया है। कैसा लग रहा है आपको? सर मैं 5th ईयर है, मैं लंदन और मलेशिया, मॉरिशियस और हर एक अवार्ड में मैं आ चुका हूँ भोजपुरी के। और मैं आईफा टोटल 100% 99 मूवी सीरियल एल्बम अवार्ड्स वेब सीरीज करता हूँ, लेकिन भोजपुरी में आके खुशी होता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और मैं इसका एक हिस्सा हूँ। और उनका नाम है मिस्टर योगेश लखानी। योगेश लखानी। और फिल्म इंडस्ट्री में दो ही चीजें फेमस हैं, एक शीला की जवानी और दूसरे योगेश लखानी। थैंक यू। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कृष्णा, बहुत सारे अभी और भी कार्यक्रम हैं।